नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेंबली लाइन बैलेंसिंग। असेंबली लाइन बैलेंसिंग जो है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को अगर ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट में और सिलेबस में है तो, ताकि आप समझ पाओ क्या होता है असेंबली लाइन बैलेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं इसके कंसेप्ट से। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क टू द वर्क स्टेशन इन सच अ वे दैट द वर्क स्टेशन हैव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट्स। अभी किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में होता है वर्क स्टेशन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। वर्क स्टेशन मान लो जैसे कि एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जैसे आप बिस्किट्स बना रहे हो तो आपका जो पैकेजिंग का वर्क स्टेशन है वो अलग होगा, जो आप फ्लोर को मतलब आगे उसमें बढ़ाओगे उसका वर्क स्टेशन जो है अलग होगा, मिक्स करने का वर्क स्टेशन अलग होगा, है ना। तो असेंबली लाइन बैलेंसिंग ऐसी प्रोसेस है कि जो हमारे टास्क है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको कैसे हम वर्क स्टेशन के थ्रू उसको लेके जाएं ताकि वर्क स्टेशन जो है मतलब उतना ही टाइम ले जितना उनको ज़रूरत है, वो खाली ना बैठें। तो असेंबली लाइन बैलेंसिंग में हम यही देखते हैं कि वर्क स्टेशन की जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो इक्वल हो अप्रॉक्सीमेटली। द गोल ऑफ लाइन बैलेंसिंग इज टू ऑब्टेन टास्क ग्रुपिंग्स दैट रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे टास्क ग्रुपिंग्स बनाओ, ठीक है, कि जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है ना वर्क स्टेशन का वो एकदम इक्वल हो, एकदम क्या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो। ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। दिस मिनिमाइजेस द आइडल टाइम अलोंग द लाइन एंड रिजल्ट्स इन हाई यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट। अभी इससे क्या होगा, इक्वल टाइम अगर लेगी वर्क स्टेशन तो इससे क्या होगा भाई, जो हमारा आइडल टाइम है ना, जो वर्क स्टेशन खाली बैठे रहते हैं उनका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, वो मिनिमाइज होगा और हायर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट्स होगा। जो भी लेबर है उनको खाली नहीं बैठना पड़ेगा, जो भी मशीन्स हैं उनको खाली नहीं बैठना पड़ेगा, है ना। इस हिसाब से हम एक मतलब डिज़ाइन करें चीज़ें, लाइन बैलेंसिंग करें, समझ रहे हो, कि सारे टास्क वर्क स्टेशन के पास इस तरीके से जाएं कि उनका टाइम रिक्वायरमेंट इक्वल हो। ऑलराइट, तो आई होप आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा इसका। एक और चीज़ दी गई है इसके बारे में, आइडल टाइम अकर्स इफ टास्क टाइम्स आर नॉट इक्वल अमंग वर्क स्टेशन, ठीक है। अगर टास्क का टाइम इक्वल नहीं है, अनइक्वल टाइम है, कि 5 घंटा एक चीज़ बनने में ले रही है और जो अगली वाली मतलब वो मशीनरी है तब तक वो खाली बैठी रहेगी, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आइडल टाइम होगा। आइडल टाइम का मतलब वही है कि कितनी देर वो खाली बैठ रही है मशीन, खाली बैठ के आ रही है, मतलब बैठी तो रहती है, खाली रहती है वो मशीन। ऑल राइट, सम वर्क स्टेशंस आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ हायर रेट देन द अदर्स। दीज फास्ट स्टेशंस विल एक्सपीरियंस पीरियोडिक वेट्स फॉर द आउटपुट फ्रॉम द स्लोअर स्टेशन और एल्स बी फोर्स्ड इनटू आइडलनेस टू अवॉइड बिल्ड ऑफ वर्क बिटवीन स्टेशंस। अभी क्या होता है, कुछ है ना वर्क स्टेशन बहुत जल्दी जल्दी आउटपुट बना देते हैं या बहुत जल्दी जल्दी अपने टास्क को परफॉर्म कर देते हैं, ऑलराइट, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको वेट करना पड़ता है किसका, अगर उनसे पहले वाले जो भी टास्क है वो बहुत स्लो हो रहा है तो उस चीज़ का उनको वेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो 5 मिनट बाद पहले वाले टास्क से आउटपुट आएगा तभी तो हम दूसरे वाले उसमें डालेंगे, ऑलराइट, ये प्रोसेस है एक प्रोडक्शन प्रोसेस। तब तक क्या करना पड़ेगा, वर्क स्टेशन को खाली बैठना पड़ेगा, ऑलराइट। अब वो खाली बैठेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा हमारी लेबर का और इक्विपमेंट का नुकसान हो रहा है, कॉस्ट टू कंपनी बढ़ रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लाइन बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी वर्क स्टेशन को खाली ना बैठना पड़े। अगर कोई स्लो उसका वर्क स्टेशन है, स्लो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे 2 लगा देंगे, समझ रहे हो, ऐसे मतलब लगा सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में कि 2 वर्क स्टेशन लगा दिए स्लो वाले, फास्ट वाला एक ही रहने दो। अब 2 से प्रोड्यूस होगा जितने टाइम में, उतने टाइम में एक मतलब प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो फास्ट स्टेशन है। तो समझ लो, थोड़ा थोड़ा ऐसे आइडिया सा लग रहा है कि क्या होता है लाइन बैलेंसिंग। तो ये था कंसेप्ट। अभी इसका प्रोसीजर कैसे होता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं इसमें, कि कौन से स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ता है लाइन बैलेंसिंग करने के लिए। फर्स्ट है आइडेंटिफाइड टास्क। आपकी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या क्या टास्क हैं आपके, ठीक है। अगर आप पेंसिल बना रहे हो तो पेंसिल में क्या क्या करोगे, छिलाई का काम अलग होगा, पेंटिंग का काम अलग होगा, उसके अंदर की लेड का काम अलग होगा, समझ गए। तो टास्क को आइडेंटिफाई करना कि कितने टास्क हैं हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में। सेकंड है आइडेंटिफाइंग प्रीसीडेंस रिक्वायरमेंट्स। अभी जो प्रीसीडेंस रिक्वायरमेंट है कि मतलब उसमें से कौन से टास्क को आप महत्व दे रहे हो, कौन से टास्क को प्रायोरिटी दे रहे हो, ऑलराइट, उसको आइडेंटिफाई करना कि इंपॉर्टेंट टास्क कौन कौन से हैं, वो सेकेंड स्टेप में हो जाता है। थर्ड स्टेप में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करते हैं, कैलकुलेट द साइकिल टाइम एंड डिटरमाइन थ्योरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस।
तो यहाँ पे हम साइकिल टाइम डिसाइड करते हैं कि क्या होगा साइकिल टाइम और थ्योरिटिकल मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने होने चाहिए। ठीक है, तो साइकिल टाइम निकालने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूले यूज करते हैं अवेलेबल टाइम की, हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है उसको डिवाइड करेंगे जितने हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, मान लो हमारे पास 4 दिन है, हमें 5000 पेंसिल्स चाहिए 4 दिन में, तो ऐसे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा साइकिल टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कि कितने वर्क स्टेशन होने चाहिए। तो वर्क स्टेशन के लिए जितने हमारे टास्क हमने आइडेंटिफाई किए थे फर्स्ट स्टेप में उसको लिखेंगे, जैसे कि हमारे 5 प्रोसेस हैं, 5 प्रोसेस से होकर कोई भी एक रॉ मटेरियल गुजरेगा तो अब जाके हमारा आउटपुट आएगा। तो 5 टास्क हैं हमारे, 5 को जो भी हमारी साइकिल टाइम थी उससे डिवाइड कर देंगे। समझ गए, साइकिल टाइम तो वही है कि आउटपुट के लिए कितना टाइम दे रहे हो हम पर आउटपुट को। समझ गए, तो यहाँ पे ऑल टास्क टाइम जितना भी हमारा टास्क का टाइम है उसको डिवाइड करेंगे साइकिल टाइम से, तो हमारा निकल जाएगा कितने वर्क स्टेशन होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे कंप्यूट द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन बाय राउंडिंग अप द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन टू द नेक्स्ट हायर इंटीजर वैल्यू। अभी क्या करेंगे, जो भी हमने थर्ड स्टेप में निकाला ना साइकिल टाइम और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, उसको क्या करेंगे राउंडिंग अप करेंगे थ्योरेटिकल मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन को, अगर कुछ पॉइंट्स वगैरह में आएगा तो। राउंड अप तो आपको करना आता ही है, जैसे 2.5 है तो उसको 3 मान लेते हैं, 2.4 ही है तो उसको 2 मानेंगे, है ना, ऐसे राउंड अप करना पड़ता है। तो इस स्टेप में हम राउंड अप करेंगे उसको ताकि हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू निकल जाए थ्योरेटिकल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन की, कितने हमें वर्क स्टेशन चाहिए। असाइन द टास्क टू द वर्क स्टेशन बिगनिंग विद स्टेशन 1। अभी क्या करेंगे, हमें वर्क स्टेशन पता चल गया कि हाँ भाई इतने वर्क स्टेशन है, तो जितने भी हमारे टास्क थे उनको असाइन करेंगे वर्क स्टेशन में। ठीक है, टास्क आर असाइन टू वर्क स्टेशन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द प्रिसीडेंस डायग्राम। अभी प्रिसीडेंस डायग्राम की मदद से जो भी हमारे महत्वपूर्ण टास्क हैं, बहुत हिंदी होगी, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको क्या करेंगे स्टेशन 1 पे रखेंगे। तो स्टेशन 1 से हम स्टार्ट करेंगे टास्क को असाइन करना हर एक वर्क स्टेशन में। ठीक है, तो प्रिसीडेंस के हिसाब से जो जो हमारे मतलब प्रायोरिटी वाले टास्क हैं उसको स्टेशन 1, फिर स्टेशन 2, स्टेशन 3, जितने भी हमारे वर्क स्टेशन निकले हैं उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे असाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर ईच टास्क असाइनमेंट डिटरमाइन द टाइम रिमेनिंग एट द करंट वर्क स्टेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ टाइम फॉर टास्क ऑलरेडी असाइंड टू द वर्क स्टेशन फ्रॉम द साइकिल टाइम। अभी क्या करेंगे, हम जब ये कर लेंगे ना टास्क असाइनमेंट हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कितना टाइम बच रहा है वर्क स्टेशन पे। ठीक है, करंट वर्क स्टेशन पे कितना टाइम बच रहा है, कितनी देर वो आइडल रह रहा है बेसिकली, तभी तो हम उसको बाद में क्लियर कर पाएंगे। अगर वो आइडल रह रहा है तो उसके हिसाब से हम कुछ प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे कंटिन्यू असाइनमेंट ऑफ टास्क अंटिल ऑल टास्क हैव बीन असाइन टू वर्क स्टेशन। अभी क्या करेंगे, आइडल टाइम देख लिया कि हाँ भाई ये वाला वर्क स्टेशन ज्यादा टाइम ले रहा है, ये वाला कम टाइम ले रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे और टास्क असाइन कर देंगे। ठीक है, तब तक जब तक सारे वर्क स्टेशन मतलब अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो जाते अपने टाइम के लिए, और किसी में भी आइडल टाइम नहीं बचना चाहिए। लास्ट स्टेप होता है यहाँ पे कैलकुलेट द आइडल टाइम परसेंटेज आइडल टाइम एंड एफिशिएंसी ऑफ बैलेंसिंग द लाइन। अभी इसके बाद हम फाइनली हमने पूरे टास्क वहां पे लगा दिए, पूरे वर्क स्टेशन हो गए असाइन, अब उसके बाद हम आइडल टाइम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा आइडल टाइम अभी भी कुछ आ रहा है क्या। उसके बाद परसेंटेज काउंट करेंगे आइडल टाइम की और एफिशिएंसी काउंट करेंगे कि हमारी जो लाइन बैलेंसिंग हमने करी है अभी तक उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है और मतलब कितनी एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, आई होप आप समझ गए होंगे जो भी ये टॉपिक है लाइन बैलेंसिंग, असेंबली लाइन बैलेंसिंग टॉपिक का नाम है। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ही यूज होता है बेसिकली, जैसे कि हम क्या करते हैं बहुत सारी प्रोसेस से होकर अपने रॉ मटेरियल को गुजारते हैं, तो बहुत सारी प्रोसेस को एक टास्क बोल देंगे हम। ठीक है, कि ये हमारे टास्क हैं पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और हर एक टास्क क्या करेंगे वर्क स्टेशन में असाइन कर देंगे। ऑल राइट, अब वो डिपेंड करता है हमारी कैलकुलेशन पे कि एक वर्क स्टेशन पे कितने टास्क असाइन करने हैं ताकि वर्क स्टेशन क्या हो खाली ना बैठे। तो आई होप आपको ये वीडियो मतलब समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन होगा उसमें जाके लिख दो, और सोचो मत कि क्या होगा, लिख दो। अगर कोई फीडबैक भी है वीडियो के बारे में वो भी लिख दो, उससे मेरे को मतलब हेल्प मिलेगी अपनी फ्यूचर की वीडियोस इंप्रूव करने में। तो हाँ, लाइक करी दी होगी अब तक वीडियो, पसंद आई गई होगी तो, नहीं करी तो जाके लाइक मारो और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, स्टडी का चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।